जी हाँ दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में भारत के स्टार रेसलर बजरंग पुनिया ने मेंस फ्रीस्टाइल 65 kg इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। आप सभी को बता दें, भारत देश का टोक्यो ओलंपिक में छठा मेडल है। इससे पहले 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके थे, लेकिन बजरंग पुनिया के इस मेडल जीतने के बाद अब खाते में दोस्तों भारत देश के 4 ब्रॉन्ज मेडल हो गए हैं। उन्होंने कजाकिस्तान के दोलेट नियाजबेकोव को 8-0 से हराया। इस तरह भारत की झोली में अब कुल 6 मेडल हो चुके हैं। आपको बता दें कि दोलेट नियाजबेकोव ने इससे पहले रैप चेंज राउंड में सेनेगल के डायटा को 10-0 से स्कोर से हराया था। बता दें कि नियाजबेकोव को डर्टी फाइट के लिए भी जाना जाता है, लेकिन पुनिया के सामने इस बार पूरी तरह वो एकदम पस्त दिखाई दिए। पुनिया ने उनके ऊपर आक्रामकता के साथ दाव लगाए, वहीं नियाजबेकोव के दाव ही बड़ी मुश्किल से लगाने को मिले। उन्हें भी बजरंग ने अच्छे ढंग से टैकल किया और अंक नहीं लेने दिए। आपको बता दें कि नियाजबेकोव को बजरंग के साथ इतिहास रहा है। बजरंग साल 2019 विश्व चैंपियन में नियाजबेकोव से हार गए, जिसे तब से कुश्ती के जानकारों द्वारा डर्टी फाइट कहा गया था। बजरंग ने 2 महीने पहले अलीलेव 2021 में नियाजबेकोव को मात दी थी, जिससे उनको कॉन्फिडेंस मिला था। और उनका दोस्तों उनके कोच की तरफ से भी पहले यही बयान आ चुका था मैच से पहले कि भारत के लिए एक और ब्रॉन्ज मेडल पक्का समझो, क्योंकि बजरंग इस मैच में हावी रहेंगे, जो उन्होंने करके भी दिखाया। 8-0 से हराना दोस्तों कोई छोटी बात नहीं होती। आपको बता दें कि इससे पहले सेमीफाइनल का मुकाबला हार गए थे, अगर वहां जीतते तो या तो सिल्वर या तो गोल्ड मेडल ही भारत के लिए लाते। पुनिया का मुकाबला 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन अजरबैजान के हाजी अलीयेव से था। हाजी अलीयेव ने उन्हें 5-12 के अंतर से हराया था। लेकिन टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए सबसे बड़ा झटका पुनिया की घुटने की चोट रही। बजरंग अपने लिंगामेंट को कुछ दबाव से बचाने के लिए दाहिने घुटने पर काफी पट्टी बांधकर टोक्यो में मुकाबले में लड़े, लेकिन नॉर्मल बात यह नहीं है। आपको बता दें, कल अपने सेमीफाइनल मैच के दौरान बजरंग अंतिम मिनट में हांफ रहे थे। कुश्ती विशुद्धतावादियों ने चेतावनी दी है कि कजाकिस्तान डर्टी फाइटर के रूप में जाने जाते हैं और नियाजबेकोव किसी कीमत पर ब्रॉन्ज के लिए जाते। इसके लिए उन्होंने बजरंग के दाहिने घुटने को निशाना बनाया, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद दोस्तों बजरंग पुनिया ने अच्छे से टैकल करते हुए पूरी तरीके से भारत देश के लिए मैच समर्पित करा और अब यहां पर एक और मेडल ला दिया है भारत देश के लिए। आपको बताया दोस्तों कि बजरंग हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं। 7 साल की उम्र से ही पिता से पहलवानी का हुनर सीखा। पुनिया रेलवे में टिकट चेकर का काम कर चुके हैं। साल 2013 में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। 2013 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। साल 2014 कॉमनवेल्थ खेलों सिल्वर मेडल जीता। साल 2018 कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड भी अपने नाम किया और वहीं 2018 एशियन गेम्स में एक बार फिर गोल्ड मेडल जीता और साल 2019 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो वहीं 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए थे। अब दोस्तों सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त के साथ साल 2012 में जो उन्होंने ब्रॉन्ज और सिल्वर जीता था, उसी लिस्ट में दोस्तों यहां पर बजरंग पुनिया का नाम भी शामिल हो चुका है। इस बार दोस्तों भारत देश हर बार की तरह, वैसे तो ओलंपिक से एक नए कुश्ती में मेडल आता ही था, लेकिन इस बार 2 मेडल आ चुके हैं। एक रवि दहिया सिल्वर मेडल जीते तो वहीं दूसरा बजरंग पुनिया ने दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीत के इतिहास रच दिया है। पहले दोस्तों सुशील कुमार ने साल 2008 से शुरुआत करी थी, जहां उन्होंने ब्रॉन्ज जीता। 2012 लंदन ओलंपिक में सिल्वर जीता था सुशील कुमार ने। फिर उसी ओलंपिक में ही दोस्तों योगेश्वर दत्त ने ब्रॉन्ज जीता था अपनी कैटेगरी में, लेकिन उसके बाद साल 2016 रियो ओलंपिक में दोस्तों साक्षी मलिक ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। फिर साल 2020 की बात आई जो ओलंपिक की, उसमें रवि दहिया ने सिल्वर जीता और बजरंग पुनिया ने यहाँ पर ब्रॉन्ज जीता। ये इतिहास है दोस्तों। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।